अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फार्मर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मौजू बहुत ही ज़रूरी और इंतहाई अहम था, क्योंकि ठंड के आते ही अक्सर बेशतर जानवरों में बीमारी आती है कि टेम्परेचर जानवरों का डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर जो बहुत ज़्यादा परेशान, उससे ज़्यादा जो है मालिक परेशान हो जाता है। कि बाज़ दफ़ा गाभिन बकरियाँ होती हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, फ़ौरन से अपना टेम्परेचर गिरा देते हैं। मतलब जो है जानवर का नॉर्मल टेम्परेचर वैसे 102 से लेकर 103 तक होता है, लेकिन जब ठंड की वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो शहर गाँव देहात के इलाके या फिर कोई पहाड़ी इलाकों में जानवरों में बहुत मसले मसाइल टेम्परेचर डाउन के आते हैं। तो उसके लिए एक वीडियो रात के टाइम पे बना रहा हूँ। कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें और क्या नाम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो देखें, इंडिकेशन ये होती है कि जानवर ठंड महसूस कर रहा हो या फिर जो है अपने टेम्परेचर गिरा रहा हो, तो जैसे जानवर अपने बाल खड़े करना शुरू करते हैं। जैसे सामने देख सकते हैं, जैसे जानवर के मतलब बिल्कुल बाल खड़े हुए हैं। जैसे नॉर्मल जानवर के जो बाल इतने खड़े हुए नहीं होते, लेकिन जो है ये टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो जानवर अपने बाल गिर खड़े कर लेता है और बिल्कुल डाउन होकर बिल्कुल बैठ जाता है। तो उसके लिए आपको 4 से 5 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो एक होम रेमेडी मतलब जो है आपके किचन में से फ़ौरन से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक अदद गुड़, तकरीबन 1 से 1.5 इंच आपको चाहिए गुड़ की डेली ले लें। इसके अलावा जो है बड़ी इलायची, तो कोशिश करो 3-4 ले लें। ये दोनों चीज़ें लेके जानवर को आप खिला दें। भले अगर इसके अंदर आपकी गाभिन बकरी हो या फिर जो है ये खाली बकरी हो या बच्चा हो, तकरीबन 1 से 1.5 इंची का आपको चाहिए फ़ौरन से गुड़ के डेली इसको दी जाए। अगर ना भी खा रही हो फ़ौरन से मुंह खोल के दे दें। और इसके अलावा जो है ये बड़ी इलायची, अगर बड़ी इलायची जानवर शौक से खा ले सही है, नहीं तो इसका कोशिश करें ज़बरदस्ती इसके मुँह में डाल दें। तो इससे रहेगा इंशाल्लाह ताला ये आपका फ़ौरन से टेम्परेचर अपना ऊपर कर लेगी। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ आपकी आती है, अगर और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा हो तो कोशिश करें कि आधा गिलास गर्म दूध ले लें या 1 गिलास गर्म दूध। इसके अंदर एक कोशिश करो कि एक देसी अंडा या फिर फार्मी एक अंडा ले लें और 1 चमचा जो है चाय की पत्ती। टोटल इन चीज़ों को पका के थोड़ा नीम गरम करके फ़ौरन से जो है जानवर को पिला दें। इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा, 1 तकरीबन गिलास दूध, उसके अंदर 1 चमचा चाय की पत्ती और इसके अलावा जो है 1 अंडा, फार्मी अंडा हो या देसी अंडा कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तीनों चीज़ें पका के अच्छी तरह से फ़ौरन से जानवर को दे दें। इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को देने से आपके जानवर का जो है टेम्परेचर फ़ौरन से ऊपर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई फ़ौरन, अगर कोशिश करो कि आपको मैं 1 से 2 चीज़ और बता देता हूँ डॉक्टर वो क्या नाम है जानवरों की दवाइयों वाली, आप ले लें विटामिन AD3 का इंजेक्शन की पूरी बोतल लेके रख लें। आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा विटामिन AD3, ये लेके रख लेंगे इंशाल्लाह ताला ठंड के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहेगा। कोशिश करें हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने जानवर को 5-5 CC लगा दें। अगर जानवर आपका छोटा हो तो 3 CC, अगर कोई बड़ा जानवर हो तो इसको जो है 2 CC 5 CC लगा दें। इसके अलावा जो है एवीकॉम के नाम से आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, एवीकॉम दूसरा मल्टी विटामिन का इंजेक्शन है। अगर वो अगर आपको विटामिन AD3 ना मिल रहा हो तो एवीकॉम तो आप लेके ये रख लें। इससे ये रहेगा इंशाल्लाह ताला जैसे भी आपको मसला पता चले कि जानवर का आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फ़ौरन से ये लगा दें। और हस्बैंड अगर कोशिश कर अगर चाहते हैं कि मतलब जानवर किसी किस्म के मसले मसाइल में ना आए, तो हफ्ते में जो है 1 दफ़ा अपने जानवर को AVD का इंजेक्शन अपना ज़रूर लगा दें। तो इससे ये रहेगा इंशाल्लाह ताला आपके जानवर का टेम्परेचर बिल्कुल सेट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर इंसानी मेडिकल स्टोर से अगर आपको कोशिश अगर रात के टाइम भी सब चीज़ें ना मिल रही हो तो इंसानी मेडिकल स्टोर से जाके फ़ौरन से जो है मल्टी विटामिन का कोई सा भी एक इंजेक्शन ले लें और अपने जानवर को लगा दें। तो इससे जगह इंशाल्लाह ताला आपके जानवर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब बेहतर यही है कि आप घरेलू नुस्खा करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें मैंने गुड़ हमारे पास दस्तियाब था, अभी गुड़ और जो है बड़ी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची और गुड़ दे देंगे इंशाल्लाह ताला, इससे भी टेम्परेचर जानवर का फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको बताया था ये चाय की पत्ती और दूध और जो है फार्मी अंडा या देसी अंडा डाल के इसको पका के जानवर को दे दें। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया विटामिन AD3 का दफ़ा इंजेक्शन लेके रख लें, हफ्ते में 1 दफ़ा अपने जानवरों को ज़रूर लगा दें। इससे जो रहेगा कि आपके जानवर में किसी किस्म की कोई ठंड का या फिर टेम्परेचर डाउन का कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद है। इसी किस्म की मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल का जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।